हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो वापस से न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं आपके साथ। इस बार मेरा दोस्त आ रहा है संजय यादव कॉमेडी जी, यूट्यूब पे काफी बड़ा नाम है इनका, आप जानते ना तो सर्च मार के चेक कर लीजिएगा एक बार। आइए आज इनसे बात करके देखते हैं इनकी लाइफ में क्या क्या जर्नी रह चुकी है। चलिए, तो एकदम स्क्रिप्टेड लग रही है पढ़ने में, लेकिन मन से ही पढ़ रहा हूँ, काफी नर्वस हूँ यार संजय भाई को देख के, इसलिए थोड़ा सा होता है। संजय भाई फिर बताइए आपको कैसा लग रहा है चंडीगढ़ आके। चंडीगढ़ आया था घूमने, तो ये अरुण भाई इसके साथ ना मैंने पहले काम कर रखा हूँ मैं, ये कितने दिन, दो चार दिन आया था। दो चार दिन आए थे। तो पहले नंबर तो एक बात बताना चाहूंगा, ये ना बंदा यार बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इसने ना ये समझ लो ब्लॉगिंग करने के लिए मोबाइल खरीदने के लिए 6 महीने इसने काम करा था। हाँ। तो मोबाइल लिया था, तो इससे ना इसकी वजह से मैं मोटिवेट होके गया था यहाँ से कि लड़का सोचा 6 महीने काम कर रहा है सिर्फ क्या ब्लॉगिंग करने के लिए, और मेरे पास सब कुछ है, तो ये सोच के मैं फिर चला गया था। और तब मैंने अपना चैनल उठा लिया था मेहनत कर। हाँ, भाई की पहली वीडियो थी LIC वाली। हाँ, वो वाली वीडियो एकदम पंप कर गई थी भाई की, जब ये काम छोड़ के गए थे। इन्होंने बताया था कि एक महीने में 12,000 सैलरी मिली थी इन्हें जब वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी में। तो अचानक इन्होंने कहा था कि 8 घंटे में कुछ नहीं रखा, पूरा दिन खराब जाता है, इतने में वीडियो बना सकता हूँ, खुदा ना खास्ता कभी एक वीडियो उठ जाए, तो ये भगवान ने सुन भी ली। 12,000 कुछ होते ही नहीं। 12,000 कुछ नहीं होते संजय भाई के लिए, नहीं मतलब किसी के लिए भी कुछ नहीं होते। हाँ, घर में कहाँ चल जाते हैं। एक बड़ा भाई है इनका जय भाई, वो कमा रहे थे, छोटा भाई वीडियो पे ध्यान था बिल्कुल। एक कमाने वाला हो घर में और एक करने वाला यूट्यूब पे, जो करियर पे ध्यान दे वो बेस्ट होता है ऑप्शन। तो सब कुछ सही चल रहा है संजय भाई। फिर दोस्ती यारी मतलब पूरी फुल सपोर्ट वगैरह? हाँ, पहले नहीं करते थे लोग, अब तो फुल सपोर्ट करते हैं, मतलब आसपास के लोग भी ना, शुरू में कोई नहीं करता, जब कुछ करने लगोगे ना हाँ तो फिर वो भी ध्यान देने लगते हैं। तो बाकी घर से सपोर्ट रहा था आपको? घर में तो एकदम वैसे ही नॉर्मल है, पहले थे। अच्छा, पहले गालियाँ अब भी बाप की मिल जाती है, गालियाँ तो हमें भी पड़ती है सर जी। पापा और कभी इतनी नॉलेज नहीं है मतलब क्या कैसे, थोड़ा होता है, बट हाँ आप सपोर्ट करते हैं मतलब। मैंने मतलब पैसे वैसे की पूछते थे ना, वो कहते थे कमा, मैंने जब एक बार उनको ना सैलरी बताई अपनी कि हाँ मैं महीने में इतने, उनकी आंख फटी रह गई थी। हाँ, तब से कह रहे थे हाँ करते, जब मतलब पहले नहीं सपोर्ट करते जब, तुझे तो पता ही है यार कि हाँ। फैमिली वाले चाहते हैं बच्चा सक्सेस हो, पैसे कमाए, नॉर्मल सी बात है, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, कमा सके, कुछ कर सके, वो इसीलिए पढ़ाते हैं हमें आगे तक कि हम कुछ कर सके। उनका भी कुछ नहीं होता मोटिव, लेकिन बस ये होता है कि हमारा बच्चा कुछ कर सके आगे। अब तो अब फुल सपोर्ट करते हैं घर वाले भी, बट ये नहीं कि मतलब कि जैसे बाहरी लोग, अरे भाई यूट्यूबर, वो कुछ नहीं, मम्मी पापा भी ऐसे कुछ गलती तो घर में नॉर्मल से ही रहता है। मेरा घर में तो अभी चल रहे साइड हट, अभी ज्यादा वैल्यू अभी भी कुछ नहीं है, हम भी ट्राई कर रहे हैं। संजय वीडियो के पर्पज से मैं बना रहा था ये बाकी मेरा पक्का दोस्त है, मजाक नहीं कर रहा। 7-8 महीने में रह चुका हूँ। जब चंडीगढ़ आ रहा था ना मैंने इससे कॉल पे बात करी थी, बट ये भी तुम्हें पता ही दीपावली से पहले लोग बिजी रहते हैं, साफ सफाई, झाड़ू पोछे संभाल रहा था मैं दोस्तों। इस वजह से दिवाली का दूसरा दिन है, दिवाली अगले दिन, तीसरा दिन हो चुका है लगभग फोन करते करते बातचीत में। तो आज ये यहाँ पे झील पे आखिरकार आई गई सुखना लेक पे घूम रहे, आज दिन भर ही घूम रहे थे, आज घूमेंगे भी दिन भर साथ संजय में। बहुत अच्छा लगा पूरा दिन मैंने इनके साथ मस्ती करी आज, अभी और भी घूमेंगे। अरे और संजय भाई चलिए आप ये बताइए, आपकी पहली वीडियो उठी कहाँ, यूट्यूब पर उठी कोई और सोशल मीडिया पे उठी? फेसबुक पर उठी थी, सबसे पहले फेसबुक पर उठी, फिर उसके बाद फिर और कोई सोशल मीडिया चला रहे हो आप, इंस्टा फेसबुक कुछ? इंस्टा तो चलाता ही नहीं था ये ना, लोगों ने मुझे जबरदस्ती इंस्टा चला। अब लेकिन एक महीने से एक्टिव, अब इंस्टा पे भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूँ, ग्रोथ मिल रही है आपको। देखा मैंने आपकी वीडियो काफी अच्छी अच्छी होती है, एक महीने में 4 से 21 कर दी। अरे वाह, केक ही बात कर रहा है आप, कहीं 21-22 समझ रहे हो अपनी तरह, समझ गए। बाकी आपके ब्लॉक लिस्ट में भी काफी लड़कियां पड़ी होंगी, कुछ तो है प्यार व्यार दिखा दे रहा। अरे 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 सही है दिखाइए सर। इंस्टाग्राम पे आपको मैं चेक करा देता हूँ कितने ब्लॉक लिस्ट में पड़े हैं, अभी भी देख सकते हैं, इतना 94 तो भी लाइक ही आ गए एक सेकंड में। इंस्टाग्राम पे ब्लॉक लिस्ट में पड़े हैं, चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3 जितने हम रिक्वेस्ट में पड़े होते हैं इतने ब्लॉक में पड़े हैं, देख रहे हो? ज्यादा नहीं है, 5-6 5-6 लड़कियां है, वो भी ताऊ जैसे तो नहीं हमारी तरह, हमें तो लड़के ब्लॉक कर दें। संजय भाई फिर तो लाइफ स्टाइल एकदम चिल चल रही होगी आपकी, मस्त लाइफ स्टाइल कैसी बीत रही है आपकी यूट्यूबर बनने के बाद? आपके जल्दी 1 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर। लाइफ स्टाइल तो अब मजा आता है, कहीं पे भी जाते हैं लोग मिल जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। हाँ जी, और मतलब प्राउड सा फील होता है, आप कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, फीलिंग आ जाती है। घर पे भी लोग आते हैं वो वीडियो बनाने, भाई कहाँ है भाई, पापा से पूछते हैं, पापा भी सोचते हैं, मतलब पापा की पहले एक बार मुझसे कोई मिलने आया था तो ऐसे ही पूछ रहा था उसका घर कहाँ है, मतलब 2-3 बंदे आए थे ना, तो पापा मुझसे आगे कह रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा कह लिए, मतलब कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लिया, मतलब इस वजह से। तो फिर मुझे लगा था कोई मिलना आया था, फिर वो अगले दिन आया मुझसे, फोन नंबर शायद पापा से लेके उसने। अच्छा, तो फिर अगले दिन आप
मिल जाता तो बता जब पापा अच्छा। को पता चला होगा आपके फैन है, मतलब आपको काफी लाइक करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हें कितना प्राउड महसूस हुआ था? अब तो पापा चौड़ में रहते हैं एकदम, कोई एकदम संजय यादव का पापा हूँ, एकदम मस्त, एकदम अच्छी बात है। बाकी फिर स्कूल छूटने के बाद आगे फिर फोर्स रहा कि घर से कॉलेज कर लो, ये कर लो, इसमें कुछ नहीं रखा, पढ़ाई में क्या होगा? घर वालों को तो ये चाहिए था लड़का सक्सेस हो, सक्सेस हो, हाँ बस। तो अब सक्सेस फिलहाल अभी उस तरह नहीं हो, लेकिन अब मेहनत कर रहे हैं, लग रहे हैं हाँ सक्सेस हो रहे हैं। आइए दोस्तों आज बात कर ली जाए फिर इनके यूट्यूब की जर्नी को लेकर, क्या क्या इनके साथ लाइफ में बीती और क्या क्या हुआ इनके साथ, आइए पूछते हैं। तो फिर और बताइए आपके टीम में मेंबर कितने हैं टोटल? हम लोग चार लोग हैं अभी तो। चार लोग हैं, सपोर्ट उनकी तरफ से रहता है पूरा? हाँ फुल सपोर्ट रहता है वो, मतलब चारों हम लोग एकदम सही लगे पड़े कि हाँ इसी में करियर बनाना। अरे बहुत बढ़िया। एक वीडियो बनने में लगभग आपको कितना टाइम लग जाता है? एक वीडियो अगर जैसे चारों लोग अगर किसी से भी एक से नोक झोंक हो गई, जैसे नहीं ये नहीं खुश है वो नहीं खुश है, जैसे हमेशा तो पता ही है दोस्ती यारी में चलता रहता है, कभी लड़ भी लेते हैं, कभी लड़ भी लेते हैं, गुस्सा हो जाता है, और अगले दिन फिर बोल देते हैं हम नहीं आ रहे। नहीं ये सब नहीं करते फिलहाल, लेकिन हाँ वीडियो बनाने में रियल में तो दो दिन ढाई दिन तो लग जाता है, पूरी कंप्लीट करने में चार दिन लग जाता है। फिर अब पहले सैलरी कितनी आती थी, अब कितनी हो रही, कुछ इनकम के बारे में बताइए? इनकम तो इतनी है कि एक आईफोन ले सकता हूँ। अरे मेरी जान है, हाँ बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, इतनी वैल्यू कर लो कि कोई पूछे ना तो सामने से बटवे दिखा दे, पेमेंट दिखा दे, बस अपना मुंह बंद हो जाता है, संजय भाई। बाकी यही सब था। पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई तो 12th तक करी थी, कंप्यूटर से वो लेवल कर रहा था, फीस भी नहीं थी बाकी भाई सरकार यार मोदी जी नमस्ते। बाकी ऐसी जब जर्नी रही है भाई की, बाकी काफी मेहनत करिए, काफी हद तक मेहनत करिए, कितने कितना महीना लगाया, कितने साल लगे आपकी वीडियो बनने में? मैं बना तो रहा था देख, रियल में वैसे मौज मस्ती में तो एक साल तो ऐसे बनाता रहा, लेकिन ना फिर यहाँ पे चला आया था काम करने ना, तो वही मौज मस्ती ना उठने लग गई। अच्छा, तो यहाँ से गया ना तो फिर एक वीडियो बनाई थी मैंने LIC वाली, LIC मैंने देखी थी आपकी, तो वो वहाँ से ना LIC वाली से ना फिर सारी वीडियो एक के ऊपर एक दबा दबा के चलने लग गई। फिर एक वीडियो मेरी वायरल हो गई थी फेसबुक पर, 16 मिलियन शॉर्ट वीडियो, मतलब हर जगह ही चल रहा था ट्रेंड उसका, हर स्टेटस पे था। अच्छा, काफी बढ़िया बात है, तो वहाँ से पंप मिला था तगड़ा। चलिए संजय जी ये बताइए आपकी वीडियो एडिट कौन करता है और स्क्रिप्टेड कौन लिखता है? पहले तो स्क्रिप्ट तो लगभग सारी मैं ही लिखता हूँ। अच्छा जी, और वीडियो एडिटिंग जय सिंह भाई करता है। जय सिंह इनके बड़े भाई, जैसे आप जानते नहीं होंगे, वो भी हमारे कैमरामैन बन रखे, चेहरा दिखाइए सर, देख लो भैया कैमरामैन बना रखा है एडिटर को। ये हमारे कैमरा मैन थे, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी प्यारे दोस्त है हमारे ये संजय भाई के बड़े भाई हैं। और आपके आउटफिट वगैरह, वीडियो के लोकेशन वगैरह कौन कौन देखता है कि बता एक समझे कुछ? ये तो चारों लोग ही, मतलब कोई कहता वहाँ पे जिसके जहन में दिमाग में रहता है कि हाँ यहाँ पे, तो कोई सा भी चला जाता, मतलब जो भी बता देता वही अच्छा लोकेशन रहता है वहाँ पे चले जाते हैं। ये भी अच्छी बात है। अपने भाई संजय भाई यूपी में रहते हैं, सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होती, मगर हर कोई जान पहचानता है आपको सुल्तानपुर में? अब हाँ दिक्कत तो कभी कभार होती है, हाँ उस तरह वो जहाँ पे नेटवर्क एरिया भी कम सा है सुल्तानपुर में, चलाते भी कम फोन है, बाहर के तो आप सब जानते हैं। हाँ लगभग दिक्कत तो ऐसी देखो कोई नहीं है वहाँ पे जिले में, प्रॉब्लम अगर देखोगे तो बहुत है, नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, दोस्त मिल जाए तो फिर तो और कुछ भी नहीं है, टाइम दे दे अपने वीडियो के लिए बस। वैसे तो आप कोई सब कुछ चिल चल रहा है, मस्ती, अरे लाइफ चिल ही हो जाती है जब थोड़ा सक्सेस मिल जाए ना। अभी 1 लाख होने वाले हैं इनके, कांग्रेचुलेशन लिख दीजिए कमेंट में, लिख सकते हो। हाँ 1 लाख तो यहाँ तक किया, कब तक कर लोगे? आपको क्या लगता है कब तक हो जाएगी आपकी 1 लाख? 10 वीडियो के बाद। 10 वीडियो? अरे मैं कह रहा हूँ 2 वीडियो के बाद हो जानी है, अगर कोई वीडियो बूम करगी तो जल्दी हो जाएंगे, वरना जैसे चल रहे हैं इस हिसाब से 10 दिन। इनकी जो एक वीडियो है ना पागलों का शहर ना, पागलों सर, वो वीडियो सबसे ज्यादा पहले 1 मिलियन गई थी ना सबसे पहले, सबसे अब भी उस पे 12 लाख, अब भी उस पे देखो पंप बढ़ते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा वो हिट हुई थी वो वाली। तो बाकी फिर चंडीगढ़ में आपको कैसा लग रहा है फिर यहाँ घूम फिर के? आज पहले दिन तो घूम रहा हूँ, कैसा लग रहा है इतने बड़े रिपोर्टर से मिलकर? अरे भाई यार एक सेल्फी, अरे 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 लीजिए, मजा नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ, यार कॉमेडी के लिए कर रहा था, जैसे क्या देख रहे थे, मजा आ रहा है भाई बहुत। और यही कहना चाहूंगा भाई अरुण साहब ब्लॉग, इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, मेहनती बहुत है। आप लोग देखोगे ना, मैं इसको बहुत पहले जानता जब इसने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी 6-7 महीने, मैं काम कर रहा था दोस्तों, फिर मेरे को वहीं पे मिलेंगे, सबसे पहले अपने कैमरामैन ही मिले थे जय भाई, जो इनके बड़े भाई सबसे पहले मिले थे, फिर संजय भाई आए थे,
ये काम के इन्हें भी वीडियो से कुछ पंप नहीं हो रहा था, तो इन्हें को भी घर में कुछ कहा होगा वगैरह काम के लिए, तो उस वजह से चला था। हाँ, तो ये काम करने के लिए आए थे, तो फिर मेरे को मिले थे वहाँ पे। शुरुआत में इनके टू के सब्सक्राइबर थे जब मैं मिला था। मिले थे हाँ, 300 व्यू वगैरह कुछ आते थे इनके, 500 व्यू। मैंने बोला था ठीक आ रहे 500 व्यू, तो इन्होंने कहा था 2 साल की मेहनत है। और मैं काफी टाइम लगता है ऐसे बातों में, 12,000 सैलरी में कुछ नहीं होगा। इन्होंने एक हफ्ता करा, जितनी भी पेमेंट आती थी छोड़ दी, एक हफ्ते की भी नहीं ली, ये चले गए। बाकी इन्हें पता था इस जॉब जॉब से कुछ नहीं रखा, तो इन्होंने यूट्यूब पर जो मेन मकसद था उन पे ध्यान दिया। बाकी तो फिर आप सभी जानते ही हो, और मैं यही कहना चाहूंगा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे लव यू भाइयों, और ब्लॉगिंग करता है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं भी देखता हूँ इसको, सब्सक्राइब कर रखा है मैंने भी, आप भी कर लेना। अरे चेक कर लेना, फॉलो कर रखा इंस्टाग्राम पे, यकीन नहीं हो रहा था मैं यूं भरा पड़ा इकलौता, मैंने देखा था, दिल आ गया था संजय भाई। चलो फिर इसी तरीके से आपने देखा इंटरव्यू संजय भाई के साथ, पुराने दोस्त हैं तो मैंने इंटरव्यू ऐसे ले डाला इनका, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। संजय कुछ कहना चाहते हो? जय हिंद। अरे लव यू भाई, बाय।